गाइस अब विंध्याचल दर्शन के बाद अब हम लोग काली खो मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, और काली खो मंदिर अब बस यहाँ से कुछ ही दूर पर है। आप रास्ता देख रहे होंगे, मौसम भी बहुत अच्छा है और वो पहाड़ियाँ भी आप देख रहे होंगे। तो आगे जर्नी को हम कंटिन्यू करते हैं, हम और मेरे भाई साहब। तो ये रास्ते आप देख रहे होंगे, कितना ही सुंदर मनोरम दृश्य है, कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे, जिसके लिए हम शहरों में तरस जाया करते हैं। और हम बताएं, इतनी फ्रेश एयर है यहाँ की कि खुल के सांस लेने को दिल कर रहा है। ये देखिए कितना ही मनोरम रास्ता, ये खेत, ये पहाड़ियाँ, ये रास्ते, आप खुद ब खुद सोच रहे होंगे और आप देख रहे होंगे कितने सुंदर रास्ते और कितने मनोरम रास्ते का दृश्य है ये। जर्नी पे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, और आप देख रहे होंगे ये पहाड़ियाँ, ये दृश्य। रियली अगर पहाड़ों वाली वादियों में आइए तो कुछ एक अजीब सा अनुभव ही होता है। कितना ही सुंदर लगता है यहाँ पे, सुकून सी जिंदगी लगती है, शहरों की भागम भाग जिंदगी। और हम और धनंजय पांडे धीरे धीरे पहाड़ों की गोद में आगे बढ़ते हुए, और अब आप देख रहे होंगे एक पड़ाव आया जिसे हम महाकाली गुफा कहते हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे बारिश हुई है, एक भैया यहाँ पे खड़े हैं, और ये बिल्कुल आप जंगल का दृश्य देख रहे होंगे।